साउथ फिल्म इंडस्ट्री से हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। साउथ एक्टर प्रदीप विजयन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 12 जून को वह अपने घर में मर्द पाए गए। जब दो दिनों तक एक्टर की कोई खबर नहीं मिली तो उनके दोस्त प्रभाकरण उन्हें देखने उनके घर पहुंचे। हालांकि एक्टर की मौत कैसे हुई इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। प्रदीप विजयन चेन्नई के पलवक्कम में शंकरपुरम फर्स्ट स्ट्रीट में अकेले रहते थे। उन्होंने हाल ही में सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आने की शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार फोन करने के बावजूद जब प्रदीप से कोई जवाब नहीं मिला तो उनके एक दोस्त उन्हें देखने उनके घर पहुंचे, जहां वे मर्द पाए गए। बता दें कि प्रदीप के विजयन थिंगेडी में अपने किरदार को लेकर लोगों के बीच काफी फेमस थे। इसके अलावा वह टेडी, इरुम्बू, थिराई और रुद्रन जैसी फिल्मों में भी नजर आए। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी प्रदीप के विजयन के फैन हैं तो कमेंट में RIP जरूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहे कंट्री न्यूज के साथ। धन्यवाद।